नमस्कार दोस्तों, देव के म्यूजिक स्टोरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर, आइए आज जानते हैं एक मूर्तिकार की मोटिवेशनल कहानी। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार यानी मूर्ति बनाने वाला आदमी जिसने अभी मूर्ति बनाना सीखा था, वह अकेले एक जंगल से जा रहा था। जंगल में उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। वह आदमी उस पत्थर के बारे में सोचने लगता है, क्यों न मैं इस पत्थर से भगवान की एक खूबसूरत मूर्ति बना लूं। उसे आदमी ने अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा था तो वह बहुत ही उत्सुक था मूर्ति बनाने के लिए। इसलिए उसे जो भी अच्छा सा और बड़ा सा पत्थर दिखता, वह उसे मूर्ति बनाने के बारे में सोचते रहता। उस आदमी ने अपने बैग से छेनी और हथौड़ी निकाल करके उस पत्थर के पास मूर्ति बनाने के लिए बैठ गया। तो उस पत्थर से आवाज आई, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। आदमी आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक और बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। फिर से उस पत्थर को मूर्ति बनाने का सोचा और अपना सामान निकाल कर उसे पत्थर पर वार करने लगा। तो पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह पत्थर चुपचाप दर्द बर्दाश्त कर रहा था। दर्द के मारे वह मूर्ति बनाने वाले ने उस पत्थर को खूबसूरत बना दिया। मूर्ति बनाने के बाद वह उसे वहीं छोड़ दिया, आगे चला गया। वह गांव में पहुंचा तो उसे पता चला कि उस गांव में एक नया मंदिर बना है, जहां पर भगवान की मूर्ति की बहुत ज़रूरत है। उसे मूर्ति बनाने वाले ने उस गांव के लोगों से कहा कि मैंने अभी अभी जंगल में एक भगवान की खूबसूरत मूर्ति बनाई है, आप लोग मिलकर जंगल में जाओ और उस मूर्ति को इस मंदिर में ला करके स्थापित कर दो। गांव वाले ने जंगल में जा करके मूर्ति ले आई और उसी मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति रखने के बाद गांव के एक आदमी ने कहा कि मूर्ति का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब नारियल फोड़ने का इंतजाम करना होगा। उसके लिए भी एक ठो बढ़िया पत्थर लेकर के आना पड़ेगा जंगल से, पत्थर की बहुत बढ़िया जरूरत भी है एक ठो। तभी उस मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने कहा कि तुमने जिस जंगल में जहाँ से ये मूर्ति उठाई है, उसी रास्ते से थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर भी मिल जाएगा। मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए रख दिया जाएगा। तो गांव के लोगों ने गए जंगल में और वहाँ से आगे बढ़ करके पत्थर मिला, उसी पत्थर को उठा करके ला के मंदिर में स्थापित कर दिया। एक दिन रात के समय में मूर्ति और पत्थर आपस में बातें कर रहे थे। पत्थर ने मूर्ति से कहा कि तू कितना खुश है, तेरी लोग पूजा कर रहे हैं, तुझे सजाते हैं, मानते हैं, और मुझको देखो, हमारे ऊपर लोग रोज नारियल फोड़ते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। तभी मूर्ति ने उस पत्थर से बोला, अगर उस दिन तुम यह दर्द बर्दाश्त कर लिया होता तो जहाँ पर मैं स्थापित हुआ हूँ वहीं पर तुम स्थापित होता और मैं तुम्हारे जगह पर स्थापित होता। जहाँ मेरी पूजा करते हैं वहाँ तेरी पूजा करते और हमारे ऊपर लोग नारियल फोड़ता। हम अगर उस दिन बर्दाश्त कर लिए तो आज मैं मूर्ति बन गया, और तुम बर्दाश्त नहीं किए, चिल्लाने लगे तो आए तुम
हमेशा के लिए चिल्लाने वाले ही बन गए हो, जो तुम्हारे ऊपर रोज नारियल फोड़ते हैं। अब कुछ दर्द भी होगा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। मूर्तिकार अपने घर चला गया है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके जिंदगी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो सहन शक्ति बढ़ाइए और देखिए एक ना एक दिन आप जो है सक्सेसफुल हो जाइएगा। समझ जाइएगा कि दर्द बर्दाश्त करने का कितना लाभ होता है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाने का कष्ट कीजिए सर। धन्यवाद।